हेलो एवरीवन, मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ खीरे का रायता। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए इसे बनाना मैं स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर मैं ली हूँ एक काकड़ी और एक प्याज। तो काकड़ी को छील लेना है। अगर आप हरी वाली देसी काकड़ी ले रहे हैं तो वो हल्की सी कड़वी होती है, तो उसे छील करके दोनों साइड से कट करके उसे घिस लें। तो चाकू से हल्का हल्का सा काकड़ी में दोनों साइड से डॉट मारें और उसे रगड़ लें, तो झाग के जैसा निकलता है, तो उससे कड़वापन ख़त्म हो जाता है काकड़ी का। तो अभी मैं इसको घिस लेती हूँ। पका हुआ रायता बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आप चाहें तो इसे बारीक बारीक कट करके भी काकड़ी को डाल सकते हैं, पर आप इसे इस तरह से घिस करके बनाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा रायते का। तो यहाँ पर मैं खीरे को घिस ली हूँ और जो प्याज है उसे मैं एकदम बारीक बारीक कट कर लूँगी। आप चाहें तो इसमें एक छोटा सा टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं प्याज को कट कर ली हूँ और यहाँ पर मैं ली हूँ थोड़ा सा पुदीना और हरा धनिया, तो इसे भी मैं एकदम बारीक बारीक कट करके डाल देती हूँ। और मैं यहाँ पे ली हूँ 4 से 5 बड़ा चम्मच दही। दही हल्की सी खट्टी लें तो रायता खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। आधा छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर और आधा बड़ा चम्मच चाट मसाला, 1/4 छोटा चम्मच काला नमक और 1/4 छोटा चम्मच सफ़ेद नमक, या फिर आप नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार इसमें ऐड करें, क्योंकि चाट मसाले में भी नमक रहता है। तो इसे एकदम अच्छी तरह से कर लेना है अभी मिक्स। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको पतला खाना है तो। तो लीजिए, रायता बनकर के तैयार हो चुका है। आप इस रायते को पुलाव, बिरयानी, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा ये टेस्टी लगता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।